हिक जंगल च हिक कछुआ ते खरगोश रहंदा आ। खरगोश नू बड़ा गुरूर आया कि ओ बहुत तेज दौड़ सकदा वे। ओ कछुए दी चाल देख के उसका बड़ा मजाक उड़ांदा आया। एक दिन खरगोश ने कछुए नू किया कि ओ इस नाल हिक दौड़ लगाना चाहता वे। कछुआ राजी हो गया। खरगोश ने किया कि जड़ा दौड़ जीता उन्हें इनाम भी मिल सी। कछुआ इससे भी राजी हो गया। इस दौड़ नू देखने वास्ते जंगल दे सारे जानवर उस जगह ते पहुंच गए। खरगोश ने किया कि जड़ा सामने वाली पहाड़ी ते पहले पहुंच गया वो जीत जासी। कछुआ ने एक गल भी मान ली थी। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेज तेज दौड़ने लगा। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ भी जाता आया। खरगोश दिल ही दिल च खुश आया कि वो कछुए से जीत जासी ते कछुआ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन कछुआ पुर एतमाद आया ते आपकी रफ्तार के मुताबिक ही दौड़ लगांदा पिया आया। तेज तेज दौड़ने की वजह नाल खरगोश थक गया। उन्हें जब पीछे मुड़ के देखा ते उन्हें कछुआ दूर दूर तक नजर ना आया। खरगोश कहने लगा कि एक कछुआ तो इतनी जल्दी इधर नहीं पहुंच सकता। चल मैं थोड़ी देर आराम ही कर लेवा। एक कह के खरगोश एक दरख्त के तले लेट गया ते आराम करते करते उसकी अखी लग गई ते वो सो गया। इतनी देर च कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता खरगोश को पहुंच गया ते चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद जब खरगोश की अखी खुली ते उन्हें इधर उधर कछुए नू देखा ते वह पहाड़ी की तरफ तेज तेज दौड़ने लगा। लेकिन जब वो उधर पहुंचा तो कछुआ पहले से मौजूद आया। खरगोश ने अपनी गलती का एहसास होया तो उसने कछुए से माफी मंगी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से सानू ये सबक मिलता वे कि गरूर का सिर हमेशा नीवा होंदा वे।